हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस। जीरो आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हिंदी मीडियम के हैं क्या? इसके कारण आपको इंग्लिश से डर लगता है कि पीपीएफओ में इंग्लिश आएगा हम नहीं बना पाएंगे, या आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ते थे लेकिन बहुत कमज़ोर थे तो आपको इंग्लिश में दिक्कत होती थी, या आप इंग्लिश मीडियम में थे उस समय आपकी इंग्लिश स्ट्रांग भी थी लेकिन बहुत समय से छोड़ने के बाद क्या आपको इंग्लिश से डर लग रहा है? तो आपको डरने की दिक्कत नहीं है दोस्तों। ईपीएफओ में जो भी इंग्लिश आता है वो आसान होता है, ठीक है? उसमें हमें पूरा इंग्लिश पढ़ना नहीं है, हमें कुछ फिक्स चीज़ पढ़ना होता है, उसी से ईपीएफओ में क्वेश्चंस पूछता है दोस्तों, ठीक है? तो जीरो आईएएस में आपका इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन किया जाए करवाया जाएगा, साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि इंग्लिश के लिए आपका अप्रोच क्या है, आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा इंग्लिश स्ट्रेटजी के लिए जो ईपीएफओ में आता है दोस्तों, एओई और एपीएफसी में एग्जाम में आएगा, उसके लिए आज का स्ट्रेटजी है इंग्लिश का, ठीक है? तो आपको डरने की बात नहीं है दोस्तों, मैं हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ये लेक्चर प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे द्वारा। मेरा नाम है राहुल बनवाल, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। तो आज बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर, इंग्लिश का स्ट्रेटजी का हम लोग को बता दिए, चैनल पर बहुत सारा हमें कमेंट आया था, ठीक है, कि इंग्लिश के लिए आप स्ट्रेटजी बताइए, बच्चे को डर लग रही है इंग्लिश से, ठीक है? तो डरने की बात नहीं है दोस्तों, आपका दोस्त है ना, मैं हूँ ना, आपका शिक्षक, आपका गुरु, जो भी आप बोलिए, ठीक है? तो ये लेक्चर जिस तरह मैंने आपको बाकी लेक्चर पढ़ाया, अकाउंटिंग का, लेबर लॉ का, मृणाल सर का इकोनॉमी, लक्ष्मीकांत हो, या डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना हो जीएस का, जिस तरह से वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है दोस्तों, उसी तरह से इंग्लिश का भी लेक्चर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर है, इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है? इसमें हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश में ईपीएफओ में कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन, ठीक है? टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं ईपीएफओ में? 120 क्वेश्चन। उसमें से आपको 20 क्वेश्चन आपके किस में आएंगे? इंग्लिश के आएंगे। तो बिना इंग्लिश के आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, मेरिट लिस्ट में आप नहीं आ सकते, ठीक है? तो हम लोग का जो टारगेट होगा, जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि 20 क्वेश्चंस में से हम लोग फोकस करेंगे कि 18 क्वेश्चन या 18 से 20 क्वेश्चन हम लोग सही कर दें इंग्लिश में, ठीक है? तो इसके लिए मैंने ये जीरो आईएएस का चैनल जो है आपको इस ईपीएफओ में गाइड करने के लिए बनाया है, साथ ही साथ यूपीएससी में भी, प्रीलिम्स में भी गाइड करने के लिए बनाया है। चूँकि मेरा दोनों एग्ज़ाम में, एक ईपीएफओ में एग्ज़ाम सिलेक्शन हो चुका है और यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का प्रीलिम्स निकाला, तो मुझे आइडिया है कि किस हद तक यूपीएससी और या यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है? तो इंग्लिश के स्ट्रेटजी को लेकर देखिए क्या क्या चीज़ हम लोग को इंग्लिश में पढ़ना होता है। तो पहला चीज़ है वोकेबलरी, ठीक है? वोकेबलरी मतलब क्या होता है दोस्तों? शब्दकोश, ठीक है? शब्दकोश, कोश ऐसे होता है या ऐसा होता है, जो भी आप देख लीजिएगा, शब्दकोश, ठीक है? तो वोकेबलरी मैंने मतलब मैं बोलूँ इनक्रेडिबल, ठीक है? इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अतुलनीय, जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, अतुलनीय, ठीक है? मैं कुछ भी बोल दूँ, रिकमेंडेबल, रिकमेंडेबल मतलब क्या होता है? एडवाइस देना, एडवाइजेबल, इसका सिनोनिम हो गया। तो वोकेबलरी से हमें पूछता है कि कोई भी शब्द दे देता है, या तो उसका पूछेगा सिनोनिम, ठीक है? सिनोनिम पूछता है, सिनोनिम मतलब होता है समानार्थक, समान अर्थ वाला, ठीक है? या एंटोनिम पूछेगा, एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक, विपरीतार्थक। जैसे इंक्रीज है, इंक्रीज का विपरीतार्थक क्या होगा? डिक्रीज, ठीक है? समझ में आ रहा है? सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला, जैसे बिग, बिग का सिनोनिम क्या होगा दोस्तों? मैग्निफिसेंट, ठीक है? लार्ज होगा ना, ये सब। तो इसमें हम लोग को सिनोनिम एंटोनिम, तो यूपीएससी जो वोकेबलरी से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, वो क्वेश्चन कितना पूछता है? 10 के आसपास, मतलब 20 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके वोकेबलरी से पूछता है। तो आपको क्या पढ़ना है इंग्लिश में? वोकेबलरी। तो मैं आपको क्या कराऊँगा, द हिंदू का मैंने बनाया है 1000 वर्ड्स का सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है? मैं आपको ये अगर पढ़ा दूंगा दोनों, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम, 1000 वर्ड का द हिंदू न्यूज़पेपर से,
तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा वोकेबलरी। उससे बाहर आपका EPFO में जो वोकेबलरी से 10 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, उसमें आपका मिनिमम 8 क्वेश्चन बन जाएगा। आप चाहेंगे तो 10 भी बना देंगे। कंडीशन यही कि आप ये खैर वर्ड जो भी हम बताएंगे आप उसको रट लेंगे, या आप मुझसे वचन दीजिए मुझे, ठीक है? तो समझ में गए? तो पहला चीज़ हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्या है, सिनोनिम। उसको वो आपका क्या है, वोकेबलरी दोस्तों, जिसमें सिनोनिम भी आएगा, समानार्थक, एंटोनिम, विपरीतार्थक, ठीक है? तो मैं आपको 1000 वर्ड्स द हिंदू से पढ़ाऊँगा, ठीक है? समय आने पे मैं पढ़ाऊँगा। मुझे लेक्चर बनाने के लिए आप फोर्स मत कीजिएगा कि सर इंग्लिश का बता दीजिए, मैं टाइम के अकॉर्डिंग आपको बहुत पहले ही ख़त्म करवा दूँगा। मेरा टारगेट है कि जब भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, मान लीजिए जुलाई में एग्ज़ाम है, तो 2 महीना पहले मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा, मतलब मई में आपका सिलेबस EPFO का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा वचन है आपसे, ठीक है? कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, एंड अकाउंटिंग हो, लेबर लॉ हो, सोशल सिक्योरिटी हो, कंप्यूटर फंप्यूटर जो भी है, जीएस तो चल ही रहा है, ठीक है? अकाउंटिंग भी चल रहा है, तो सब समय से ख़त्म हो जाएगा। बस आप कंटिन्यू GIS चैनल पर बने रहें दोस्तों, ठीक है? तो इंग्लिश हमने क्या देखा, पहला जो टॉपिक था वो वोकेबलरी था, जिसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक है एरर। एरर मतलब जो भी कोई हमको स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, अब बोलेगा कौन सी इसमें त्रुटि है या गलती है, ठीक है? त्रुटि, त्रुटि कैसा होता था, तो ऐसा देख लीजिएगा त्रुटि कैसा होता है, ठीक है? तो त्रुटि है या गलती है उसे पहचान। जैसे मैं बोलूँ आई एम ईटिंग एन मैंगो, UPSC दे देगा, ऐसे अलग अलग कर देगा, बोलेगा इसको ए नाम दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, बोलेगा किस पोर्शन में गलती है, ए में है कि बी में है, सी में है, डी है। तो हमको पता है मैंगो क्या है दोस्तों, नाउन है, संज्ञा है, संज्ञा के पहले आर्टिकल यूज होता है ना? तो आर्टिकल मैंगो में क्या होता है, मैंगो में अगर उच्चारण करेंगे तो माँ आएगा। माँ क्या है, वोवेल नहीं है, मतलब स्वर नहीं है, स्वर के पहले ही एन का प्रयोग होता है। तो माँ वोवेल नहीं है, तो एन के पहले क्या होगा, ए, तो ए काट ए लिख देंगे, तो आई एम ईटिंग ए मैंगो, ठीक है? तो इसी को एरर देगा। तो एरर जो हमसे पूछता है दोस्तों, किस किस चीज़ क्या क्या चीज़ आप पढ़ लोगे तो आपको एरर बन जाएगा प्राप्त करना, तो आपको पढ़ना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है दोस्तों, संज्ञा आपने पढ़ा होगा बचपन में, संज्ञा, नाउन, दूसरा विशेष, संज्ञा के बाद क्या होता है, पढ़े थे आप सर्वनाम, मतलब आपको प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। मैं सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अभी सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे UPSC क्वेश्चन पूछता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, विशेषण के बाद क्रिया विशेषण, एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, ठीक है? प्रीपोजिशन मतलब जैसे इन, एट, ऑन टू, एबव, बिलो, ये सब क्या है प्रीपोजिशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कंजंक्शन, उसके बाद नॉन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव वर्ब, नॉन प्रोनाउन वर्ब, वर्ब छूट गया, वर्ब पढ़ेंगे, क्रिया वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, और इंटरजेक्शन, ठीक है? कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारा चीज़ हम लोग जब पढ़ लेंगे दोस्तों, ये 8 चीज़, तब हम लोग को जो गलती पूछता है दोस्तों इसी से पूछता है, ठीक है? जैसे हमने भी ऊपर क्या देखा, जो गलती आया वो संज्ञा से आया, तो संज्ञा के पहले क्या होता है, या तो ए होगा या तो एन होता है, ठीक है? उसी तरह कहीं कहीं प्रोनाउन देता है, जैसे बोल देगा द बुक इज इन टू द रूम। अब उसमें द बुक इज इन टू द रूम नहीं होना चाहिए, इन द रूम होना चाहिए। तो इन टू हमारा क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन है, तो हमको पता होना चाहिए कि इन का प्रयोग कब होता है, इन टू का प्रयोग कब होता है, एट का प्रयोग कब होता है, एबव का, बिलो का क्या होता है, ठीक है? जब ये सब पता होगा तो उसी तरह जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे दोस्तों, तो आपका जो है एरर बन जाएगा। एरर से कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 5। तो 10 क्वेश्चन आपका वोकेबलरी से आ गया, शब्दकोश से, 5 क्वेश्चन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ गया, ठीक है, जिसमें एरर से आता है, ठीक है? तो 15 हो गया, अब हमें 5 क्वेश्चन और बचा है। तो तीसरा जो टॉपिक है जिसे UPSC पूछता है
उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेज। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब मतलब जैसे कट इनटू, पुट ऑन, हम जैसे बोलते हैं पुट ऑफ द लाइट, पुट ऑफ मतलब बंद करना, स्विच ऑन, स्विच ऑन बोलते हैं, स्विच ऑन मतलब चालू करना, है ना। कट इनटू, कट इनटू मतलब टुकड़े टुकड़े में काट देना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अगर वर्ब के बाद फ्रेज का प्रयोग होता है, इनटू, इनटू क्या है प्रीपोजिशन है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे जब भी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन प्रयोग होता है तो उसको क्या नाम हो जाता है, फ्रेजल वर्ब। तो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो फ्रेजल वर्ब होता है उसका प्रयोग कब कब होता है और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग 100-150 फ्रेजल वर्ब मैं आपको बता दूंगा, उसी से सारे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज मतलब लोकोक्तियाँ जो बोलते हैं, लोकोक थोड़ा हिंदी का तो देख लीजिएगा दोस्तों, लोकोक्तियाँ ऐसा ही कुछ होता होगा, मुहावरे या लोकोक्तियाँ। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं कि उल्टे मुंह भागना मतलब डर के भागना, दुम दबा कर भागना मतलब डर के भागना। ठीक है ना, आग बबूला होना मैंने गुस्सा होना, उसी तरह इंग्लिश में भी तो होता होगा, जैसे बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है आसान काम। ठीक है, मतलब गुलाब का बिस्तर मतलब क्या, बहुत आरामदायक चीज़ है। उसी तरह इंग्लिश में भी इडियम फ्रेज होता है, तो इन दोनों से मिला के दोस्तों यूपीएससी 5 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो टोटल जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो है आपका क्या क्या है, सबसे पहले आपको वोकेबुलरी पढ़ना है, जो मैं आपको 1000 शब्द बता दूंगा उसी से क्वेश्चन आपका सब बन जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अब जो मैं बता दूंगा आप उसको याद रख लीजिएगा, ये नहीं कि आप उसमें भी आप अगर आप याद नहीं कर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम है पढ़ाना दोस्तों, और पढ़ के आपको रटना याद करना आपका काम है कि नहीं। मैं आपको समझाने का तरीका बता दूंगा, इस तरह से आप ट्रिक बना के बता दूंगा कि आप इस तरह से याद कर लो, क्योंकि मैं जो किया था वही आपको बता रहा हूँ, और मैंने मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो आपका भी सिलेक्शन हो चुका है अगर मेरे ही बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे तो। अगर आप YouTube पे जाकर उल्टा पुल्टा वीडियो देखेंगे जिसका कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे एग्ज़ाम। EPFO को लेकर दुनिया भर का YouTube पे चैनल है, क्या उसमें से कोई भी लड़का EPFO में सिलेक्शन है ये बताइए आगे। अगर वो सिलेक्शन है तो क्या वो खुद पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा होगा, वो किसी दूसरे के थ्रू पैसा लेके आपको निचोड़ने के प्रयास में है और आप निचोड़े जा रहे हैं। आपको जो फ्री में कंटेंट मिल रहा है आप उसको नहीं पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि यार कहाँ से मुझे बढ़िया मिल जाए। दोस्तों वो आपको एक नंबर का मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए आप ऐसे चैनल को फॉलो कीजिए जिसका जो टीचर है सिलेक्टेड है EPFO में, और फिर वो जो भी बोलेगा उसको जो है अच्छे से पढ़िए, तब आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझिए। चलिए, तो एरर से कितना क्वेश्चन आ जाएगा, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपका वोकेबलरी से, और बाकी चुन्नू मुन्नू से जो है दोस्तों ये सब फ्रेजल वर्ब इडियम फ्रेज से, और भी कुछ एक टॉपिक जो छोटा मोटा होगा उससे टोटल आ जाएंगे 5 क्वेश्चन। तो आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 10 क्वेश्चन हो गए फ्रेजल वर्ब से, सॉरी 10 क्वेश्चन हो गए वोकेबलरी से शब्दकोश से, 5 क्वेश्चन आपके वोकेबुलरी शब्दकोश से, आपके 10 क्वेश्चन ठीक है शब्दकोश से, 5 क्वेश्चन दोस्तों हो गए आपके किससे हो गए, एरर से, जो आपको गलती प्राप्त करना था, इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। और जो आपका 5 क्वेश्चन था वो आपका किससे आएगा, इडियम्स फ्रेज से एंड फ्रेजल वर्ब से। तो यही तो दोस्तों पूरा जो है UPSC का जो EPFO का था वो इंग्लिश का क्या था आपका, पैटर्न और स्ट्रैटेजी, समझ में आया। अब देखिए GRO IAS आपको कैसे मदद करेगा इंग्लिश में, मैंने क्या बताया था आपको EPFO के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन GRO IAS में मिलेगा। तो इसमें देखिए इंग्लिश के लिए मैं आपको जो वोकेबुलरी का पोर्शन है मैं आपको 1000 वर्ड्स को आपको बता दूंगा अच्छे से, उसका सिनोनिम बता दूंगा, एंटोनिम बता दूंगा और बहुत सारे चीज़ बताऊंगा। तो आप 1000 वर्ड याद कर लोगे तो आपका जो है जो 10 क्वेश्चन आता है उसमें से आप 8 से 9 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, 10 क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, जो एरर है उसमें मैं आपको नाउन प्रोनाउन ये सब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दूंगा, इसमें 5 में से 5 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब और इडियम फ्रेज बता दूंगा दोस्तों, उसमें से आप 3 से 4 क्वेश्चन सही कर लेंगे, तो आपका जो नेट सही हो जाएगा 8, 5, 13, 13, 3, 16, 16 से
18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से इंग्लिश में सही कर लोगे कम समय में तैयारी करके। तो आपको चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आपको इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका बड़ा भाई राहुल बनने वाला भी है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आप देखिए, आप कुछ दिन से देख रहे होंगे कि मेरा मतलब बिजी शेड्यूल के कारण लेक्चर जो है रेगुलर नहीं आ पा रहा है दोस्तों, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब ध्यान दीजिए कि कल से, कल कितना तारीख है दोस्तों, 23rd, ठीक है, 23rd से लेके जब तक आपका EPFO का एग्ज़ाम नहीं हो जाता या UPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक आपका डेली लेक्चर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग, मेरा कम जो मकसद है वो आपका है कि आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करवाना, इसके लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा, नींद कम सोना कम पड़ेगा, फिर भी आपका लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, पूरा अच्छे से समझा के प्रैक्टिस करवाने के साथ, समझ गए। तो देखिए, तो तय, अब हम लोग का जो लेक्चर आएगा दोस्तों, एकदम ध्यान दीजिएगा, 9 AM पे, ठीक है, आपका अकाउंटिंग लेखांकन या इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, औद्योगिक संबंध और श्रम कानून पे एक लेक्चर आएगा, कितने का, 1 आवर का, ठीक है, 9 बजे सुबह डेली आपका या तो अकाउंटिंग का लेक्चर आएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन का, समझ गए, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर 7:30, ये सुबह का टाइम है, PM को आपको सी सेट जो आपका UPSC में भी आता है और EPFO में भी आएगा। EPFO में क्या आएगा, मैथ्स आएगा सी सेट की जगह, UPSC में आपका इंग्लिश भी आएगा, वो भी आएगा, तो इसका जो है अल्टरनेट डे पे आ जाएगा। अगर 23rd को आएगा तो फिर कब आएगा, 25 को आएगा, अल्टरनेट डे पे, अब याद रखिएगा, सी सेट एंड EPFO का लेक्चर आएगा 7:30 बजे, समझ में आ गया, रात में। उसके बाद 9:30 PM पे रात में, ठीक है, क्या आएगा, तो प्रीलिम्स के लिए जो GS होता है, जो EPFO में भी आएगा और प्रीलिम्स में भी आएगा, उसके लिए आपको डेली 9:30 बजे, ठीक है, आपका DPP आएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, जहां हम लोग प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, 9:30 बजे। और आपका 1 बजे दोस्तों, 1 बजे रात में, ठीक है, आपका मृणाल सर का लेक्चर आएगा, मृणाल सर का। तो ये हमारा पैटर्न है जिसमें हम लोग UPSC प्रीलिम्स को भी फोकस कर रहे हैं और EPFO को भी फोकस कर रहे हैं दोस्तों। जैसे ही अकाउंटिंग और लेबर लॉ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और आपका मृणाल सर का PDF का ख़त्म हो जाएगा, तो लक्ष्मीकांत का भी हम लोग जो बचा है वो पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए शुरू कर देंगे, जैसे अकाउंटिंग ख़त्म होगा तो इंग्लिश आपका शुरू हो जाएगा, या और इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ ख़त्म होगा तो आपका इंग्लिश का पोर्शन चालू हो जाएगा। फिर इंग्लिश भी हम लोग दोस्तों 5 से 8 दिन में डेज में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, ख़त्म हो गया तो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, अकाउंटिंग ख़त्म हो जाएगा, सी सेट वाला मैथ्स ख़त्म हो जाएगा EPFO के लिए, इंग्लिश आपका ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और GS आपका लगातार होकर वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा दोस्तों पढ़ने के लिए, आपके पास बचेगा कंप्यूटर, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उसके बाद ऑडिटिंग, EPFO के लिए बता रहा हूँ, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, बस, और कम करेंट अफेयर, ठीक है। ठीक है सर, दोस्तों कंप्यूटर के लिए मुझे मात्र जो है 5 घंटे का क्लास चाहिए, 1 5 घंटे का क्लास लूँगा, कंप्यूटर ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए मुझे कितना चाहिए, 7 से 10 क्लास चाहिए, ठीक है। ऑडिटिंग और इंश्योरेंस छोटा टॉपिक है, इसके लिए 7 से 10 दिन का क्लास चाहिए, ठीक है, 7 से 10 दिन। और करेंट अफेयर के लिए मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 25 आवर्स 25 घंटे का क्लास चाहिए, जिसमें मैं पूरा करेंट अफेयर जो EPFO के लिए रिलेटेड है वो सब करवा दूँगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी हमारे पास देखिए, अगर मैं देखूँ तो इंडस्ट्री अकाउंटिंग और ये सब अगर लेके दोस्तों
मेरा अगर अप्रैल तक ख़त्म हो जाता है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन, सी सेट का मैथ्स, ठीक है, और ये सब जीएस तो चलता जाएगा, मृणाल सर का भी पीडीएफ वीडीएफ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और जीएस भी आपका ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मेरे पास पूरा मई बचेगा, ठीक है, पूरा जून बचेगा, और आपका पेपर जुलाई में है, तो हम लोग के पास कम से कम 70 दिन बचेगा, जिसमें से हम 5 से 8 दिन आपका इंग्लिश ले लेंगे, ठीक है, फिर भी कितना दिन बच रहा है, अगर मेरे पास अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा ये वाला पोर्शन पूरा, ठीक है, तो फिर मई में पूरा टाइम है हमारे पास 30 दिन, जून में भी 30 दिन टाइम है, और आपका पेपर जुलाई में, अगर मान लीजिए जुलाई में है, ठीक है, तभी हमारा मान लीजिए टोटल मिला के 70 दिन मिलेगा। अब 70 दिन में हमको बस छुटपुट चीज़ ख़त्म करनी, जिसमें से 5 घंटे का ये लगेगा, ठीक है, 5 घंटा मतलब समझ लीजिए एक दिन में आपका कंप्यूटर ख़त्म, एक सप्ताह में ये ख़त्म, तो 7 दिन ये हुआ और 1 दिन इंग्लिश का लग गया, 8 दिन, ठीक है, करेंट अफेयर का लगेगा 25 घंटा, 25 घंटे का मतलब अगर डेली 6 घंटा पढ़ें तो 4 दिन लगेगा, तो 7 दिन ये, 8 दिन, 8 4 12 दिन, और स्टैटिस्टिक्स और ये मिला के मुझे लगेगा 15 दिन, तो 12 और 15 कितना होता है दोस्तों, 27, तो 70 में से मात्र आपका 27 दिन में लगेगा ये सब कंप्लीट होने में, ठीक है, और आपका ये वाला चीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो आपके पास कितना दोस्तों टाइम बचेगा, अप्रॉक्स 45 डेज, तो 45 दिन आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो नहीं कर लेंगे दोस्तों, जब एक बार आप किसी चीज़ को समझ के पढ़ लोगे तो आपको फिर रिवीजन तो उतना आसान हो जाएगा, फिर मैं आपको पूरा धनाधन रिवीजन करवाऊंगा, डेली आपका 100 से 150 200 क्वेश्चन दन 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 आएगा, तो आराम से आपका तैयारी हो जाएगा, तो आपको कहीं किसी तरह भागने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस चैनल पर बने रहें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस तरह से मैंने पढ़ के सेल्फ स्टडी के बल पर आपकी सफलता सुनिश्चित किया, वैसे तरह आप भी, मैं आपको गाइड करते जाऊंगा, पढ़ाते जाऊंगा, बस आपका काम है कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं बस उसको रिवाइज कीजिए, उसको रट लीजिए, उसको समझ लीजिए और उसको जाके डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिख दीजिए, समझ गए, मतलब सही करके आ जाइए, बस आपका यही काम है, आप जिस तरह मेरा सिलेक्शन हो गया है उस तरह आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये कम्प्लीट स्ट्रेटजी था, और जो भी जीरो आईएएस आपके लिए कर पाएगा वो पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है, इस चैनल को अब बस आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, YouTube पे दुनिया भर का कचरा चीज़ है, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो उनका सब्सक्राइबर जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको घंटा अच्छा नहीं पढ़ाता है, सिर्फ आपका टाइम खा रहा है, ये चैनल आपको कितना अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, लेकिन इसके सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, तो बहुत धीरे नहीं मतलब धीरे धीरे, तो आपका ये कर्तव्य है कि जितने भी आप लोग के दोस्त हैं, चाहे टेलीग्राम पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हैं, आप सबको इस चैनल का लिंक भेजिए और उनको बोलिए कि एक अच्छा सा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ईपीएफओ में भी उन लोगों का भी सफलता सुनिश्चित हो पाए, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलना है, सब पढ़ेंगे, और जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी क्रैश कोर्स को जो बहुत महंगा रेट पे बेच रहा है, तो आप फ्री में क्वालिटी पढ़िए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, गरीब हैं, जिनको संसाधन का अभाव है, तो लेकिन मेहनत करने के लिए वो एकदम तैयार है, ठीक है, कितने लोग यहाँ पे मेहनत करने के लिए पूरा तैयार है कि मेरे साथ आप 3 महीने एकदम रगड़ के पढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, तो वो तो वैसे बच्चे, उनका जो माँ बाप का आशीर्वाद है, भगवान का जो आशीर्वाद है, उनकी जो कड़ी मेहनत है, मेरा जो तपस्या है, इसके बलबूते पे हम लोग ईपीएफओ में फोड़ के आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तोड़ मरोड़ देंगे ईपीएफओ के क्वेश्चन पेपर को और हम लोग को सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, अपनी आपकी सफलता का कामना करते हुए इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ, और मिलते हैं दोस्तों कल से एक नए उम्मीद के साथ, आशा के किरण के साथ, 23 मार्च का से हम लोग नया जो है दिन शुरू करते हैं, ठीक है, अभी बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है, अभी एक मृणाल सर का इकोनॉमी का लेक्चर आएगा बड़ा सा, उसको ज़रूर देखें, और अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो आज 22 तारीख को कुछ डाल देंगे, नहीं तो कल से डेली आपका लेक्चर आएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, तो ऑल द बेस्ट फॉर दोस्तों वॉचिंग द लेक्चर, ठीक है, शेड्यूल को आप नोट कर लीजिए कि कब क्या आ रहा है, और आप उसको ज़रूर देखिएगा, देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको 9 बजे डेली सुबह या तो अकाउंटिंग का लेक्चर मिलेगा या तो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का मिलेगा, ठीक है, 7:30 बजे रात में आपको सी सेट मिलेगा जो आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा या तो फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे सी सेट के लिए जो आपको ईपीएफओ में आएगा मैथ्स, ठीक है, और यूपीएससी प्रीलिम्स में आएगा, 9:30 बजे रात को आपको प्रीलिम्स के लिए जीएस का प्रैक्टिस करवा जाएगा जो आपको ईपीएफओ में भी रिलेटेड है और प्रीलिम्स में भी है, उसका नाम है डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, और 1 बजे रात को आपको मृणाल सर का लेक्चर आएगा दोस्तों, जब तक मृणाल सर का लेक्चर हमको लग रहा है कि मार्च एंड तक हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है, अभी ऑलरेडी 350 पेज के आसपास हो चुके हैं, 1000 पेज करना है आराम से हो जाएगा, ठीक है,
तो आप शेड्यूल को नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए कि सर का टाइमिंग ये रहा, अब उसके अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ते रहिए, ठीक है। सभी लेक्चर जिसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अकाउंटिंग का, उसका PDF भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको मिल जाएगा, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF का भी 1 रुपया किसी को नहीं देना है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, क्वालिटी कंटेंट पढ़िए, मज़े से पढ़िए, क्योंकि जिस तरह से मैं स्ट्रगल करके, मुझे पता है कि किस तरह से सब लूटने के लिए तैयार हैं, ठीक है। स्टूडेंट को सब ठगता है दोस्तों, और उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं जो स्ट्रगल करके बना हूँ ऑफिसर, आप बनो। आप अच्छे से पढ़िए, आपको क्वालिटी कंटेंट देना मेरी ज़िम्मेदारी है, इसीलिए मैंने इस चैनल को शुरू किया है दोस्तों। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने सभी दोस्तों को जिसकी आवश्यकता है, जो EPFO का तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए, लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, अच्छे से रहें, माँ बाप का आशीर्वाद, भगवान का प्यार से, और मेरी कड़ी मेहनत और आपकी कड़ी मेहनत से हम लोग EPFO में सफलता पाएंगे और UPSC प्रीलिम्स भी निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।